हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आज हमारा जो कि ये उद्देश्य रहेगा कि जो खराब जाला रहे इसको कैसे ठीक करें। तो इसको ठीक करने का तरीका हम आप लोग को बताएँगे। तो ये देख सकते हैं, ये तमाम झालर हमारे पास है जो कि ख़राब हो चुका है, और इसको कैसे ठीक करें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो झालर को कुछ इस तरह से है जो कि इसको आपस में ऐसा रखना है कि ये ख़राब ना हो। तो अक्सर होता क्या है, झालर जो होता है इसमें दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतें कहाँ से आती हैं उसको हम लोग को पहचानना है। जैसे ये बल्ब जो दिया रहता है, देखिए छोटे छोटे बल्ब इनमें लगे रहते हैं, तो इनमें आप लोग को ध्यान देना रहता है कि ये बल्ब जो होता है इसके अंदर जो कि एक टंगस्टन का जो जलता है वो लगा रहता है, वही टूट जाता है जिसके कारण पूरी झालर ख़राब हो जाती है। तो ये अभी छोटा है तो इसमें हम आप लोग को बता देंगे कि कैसे इसको ठीक किया जाता है। तो जैसे होता ये है, मान लीजिए ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो इस बल्ब को करना क्या है आप लोग को, यहाँ से ये एंड पॉइंट का बल्ब है, देख सकते हैं यहाँ से एंड पॉइंट है इसका, इसके आगे नहीं है। तो इस बल्ब को क्या करेंगे हम, हटा कर और पूरे वायर को आपस में ऐसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये जलने लगेगा। ये अभी सही है, ये वाला जो कि है इसमें एंड पॉइंट वाला जो कि टूट चुका है। तो आइए इसको हम सही करके आप लोग को बताते हैं कैसे इसको ठीक करना है। तो ऐसे इसको ठीक करने के लिए देख सकते हैं, इसको पहले ओपन कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये अभी ये झालर था, तो ये इसका एंड पॉइंट है और इसका ही ये वाला बल्ब जो कि फ्यूज हो चुका है। तो इसको बल्ब जो कि था उसको रिमूव कर लिए हैं, और ये तीनों वायर हैं, तीनों वायर को आपस में हम ऐसे जोड़ देंगे इसको, और इसको जोड़ने के बाद हम यहाँ से सभी बल्ब को देख लेंगे, कोई बल्ब फ्यूज नहीं है। इसके अंदर है, वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, इसके अंदर होता है वो, और ऐसे पतला सा ऐसे रहता है। तो वो जो अगर टूट जाएगा तो झालर नहीं जलेगा। तो अभी हम बारी बारी से हर एक बल्ब में चेक कर ले रहे हैं, किसी बल्ब में टूटा तो नहीं है। और ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा, दिवाली डेकोरेशन कैसे करें और झालर का लगाने का जो तरीका होता है वो कैसे झालर लगाएं हम आप लोग को बताएंगे। तो हमारे वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और झालर को इसमें हम सभी बल्ब को बारी बारी से चेक कर रहे हैं। तो ये अभी बस यहीं पे इसका प्रॉब्लम था जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। और ये दोनों वायर जो कि था, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये बल्ब जो है यहाँ से स्टार्टिंग होता है, और हम इन दोनों बल्ब को अब लाइट में लगा कर देख लेंगे चल रहा है कि नहीं। तो अभी हम लाइट में लगा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं हमारा जो कि ये झालर है ये जलने लगा है, आप लोग भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये जल रहा है, और ये अलग है, इसको इसमें मत समझिएगा, ये अलग है। तो अभी हम इसको की रिपेयरिंग किए थे तो ये सही हो चुका है, और ये बल्ब सभी बल्ब इनमें ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसको सही करना है, और इसको टेप कर लेंगे। और रोटेट लाइट बनाए हैं जो कि चासर लाइट जिसे भी कहते हैं, उस का पूरा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग चैनल को ओपन करके देख सकते हैं, और उसका वीडियो भी बहुत जल्द आएगा क्योंकि अभी झालर की डेकोरेशन नहीं हुई है घर पर। अगर करेंगे तो उसका वीडियो भी अपलोड करके आप लोग को दिखाएंगे कैसे झालर की सेटिंग करनी है।
अभी इस वाले झालर को हम चेक करके दिखा दे रहे हैं जल रहा है कि नहीं। तो ये अभी सही है, इसमें कोई काम नहीं है, ये ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सभी झालर को रिपेयरिंग की करेंगे हम, और रिपेयर करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना है, ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे वीडियो पर आप लोग अंत तक बने। तो चलिए।